नमस्कार, हेडलाइन स्टोरी विद जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हेडलाइन स्टोरी है, आलीशान कोठी के लिए 5 सीनियर आईएएस बन गए गरीब, नारद मुनि का बड़ा खुलासा। नारद मुनि पर इस स्टोरी को प्रकाशित करने वाले जर्नलिस्ट अभिषेक दुबे भी हमारे साथ हैं। अभिषेक दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हेडलाइन स्टोरी में हम वो स्टोरी लेते हैं जो चर्चा का विषय बनती है, जिसमें रिपोर्टर की रिसर्च होती है, जिसमें खोज होती है और ऐसी खबर होती है जो कान खड़े करती है। ये खबर चौंकाने वाली है। आलीशान कोठी के लिए भोपाल में 5 सीनियर आईएएस गरीब बन गए। इसके अलावा कई पूर्व आईएएस अधिकारियों ने भी गरीब बनकर बड़े बड़े आलीशान बंगले तान दिए। परमिशन 647 वर्ग फीट की थी, लेकिन 3 से 4 हजार वर्ग फीट के बंगले तन गए। वाघ विचरण क्षेत्र में ये विस्परिंग पाम्स कॉलोनी बनी है। इस स्टोरी के मुताबिक 10,000 वर्ग फीट के प्लॉट हैं, जिनमें 0.06% पर निर्माण की अनुमति थी, लेकिन 0.6% पर निर्माण कर लिया, 10 गुना ज्यादा निर्माण। अभिषेक जी, ये जो स्टोरी है, चौंकाने वाली स्टोरी है, इस स्टोरी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। अतुल जी, ये जो इलाका है, ये है विस्परिंग पाम्स, रातीबड़ का इलाका है। भोपाल से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये इलाका होगा। यहाँ पे तो करीब 68 प्लॉट बिल्डर ने बेचे हैं। विस्परिंग पाम्स करके कॉलोनी है, उस कॉलोनी में जो TNCP ने जो निर्माण की अनुमति दी थी, वो केवल दी थी 0.6 की। यानी देखा जाए तो 10,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे केवल आप 600 स्क्वायर फीट तक का कंस्ट्रक्शन कर सकते थे, लेकिन अधिकारी और कई नेताओं ने मिलकर इस कॉलोनी में 6,000 से लेकर 7,000 स्क्वायर फीट तक की जो कोठियां थी वो तान दी, बड़ी बड़ी हवेलियां तान दी, और भोपाल और राजधानी में होने के बावजूद इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर सरकार ने ही कुछ जांच कराई, TNCP ने जांच कराई, TNCP की जांच में खुलासा हुआ है जिसमें नियमों का वायलेशन हुआ है, ये स्पष्ट तौर पर साबित हो चुका है। आपने बहुत बड़ी बात बताई कि नियमों का वायलेशन हुआ और TNCP की जांच में इसका खुलासा हो गया। IAS IPS अधिकारी, पूर्व अधिकारी, नेता, रसूखदार लोग इस कॉलोनी में हिस्सेदार हैं, जिन्होंने प्लॉट खरीदे, नियमों का वायलेशन किया। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद क्या कोई एक्शन हुआ, और नहीं हुआ तो आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, क्यों नहीं हुआ? क्या इस पर किसी तरह की शिकायत की गई, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता एक्टिविस्ट इसमें फॉलोअप ले रहे हैं? अतुल जी, ये जो कार्रवाई है, करीब जो जांच रिपोर्ट है, करीब 15 दिन पहले ही आई है, सरकार के पास है, सरकार इसमें अध्ययन कर ही रही है। इसी बीच जब नारदमुनि.com ने इस बात का खुलासा किया है, तो काफी सारे मेरे पास फोन कॉल्स आए हैं, कई सारे जो एक्टिविस्ट है वो आगे आए हैं, जो इस मामले में रिपोर्ट के साथ जनहित याचिका लगाई जाने वाले हैं, और सीधे वो मांग करेंगे हाईकोर्ट से कि इसमें तो कार्रवाई की जाए, जो अवैध निर्माण किया गया है उसे तोड़ा जाए, और जिस तरह से आम आदमी के साथ नियमों को पालन कराया जाता है, उसी तरह से रसूखदारों से भी नियमों का पालन कराया। आम आदमी तो एक छज्जा भी बढ़ा ले तो नगर निगम का अमला पहुंच जाता है तोड़ने के लिए। बिल्कुल, इसमें काफी सारे रसूखदार हैं, तो अभी तक किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो रही है कि इन पे कार्रवाई कर सके, लेकिन यदि हाईकोर्ट इसमें इंस्ट्रक्शन देता है तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई की। अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री के सामने छोटा सा किचन गार्डन बना हुआ था, और वहां का स्थानीय निकाय उस किचन गार्डन को तोड़ने के लिए JCB से पहुंच गया। तो जब इतनी पारदर्शिता दिखाने का दम सरकार भर रही है, तो क्या जरूरत पड़ेगी कार्यकर्ताओं को, एक्टिविस्ट को हाईकोर्ट जाने की, या सरकार संवेदनशीलता दिखाएगी एक्टिव होकर और इस मुकाम पर पहुंचेगी कि एक्शन दिखाई देगा जनता को? मुझे लगता है कि हाईकोर्ट के इंस्ट्रक्शन के बाद ही इस मामले में कोई कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि अभी तक 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जांच रिपोर्ट पे आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जांच रिपोर्ट अभी रखी हुई है बस्ते में बंद करके, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, इस कॉलोनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कॉलोनी बहुत खूबसूरत लैंडस्केप, आधुनिक सीवेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज, 24 घंटे पानी सप्लाई, चौड़ी कंक्रीट सड़कें, पार्क में विदेशी पौधे, पता नहीं क्या क्या स्पेसिफिकेशंस के साथ डेवलप की गई थी, और यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने प्लॉट्स लिए हैं, इसकी क्या वजह है? ये सबसे ज्यादा तो ये जो है पहाड़ी पे है बसी हुई कॉलोनी है, और लो डेंसिटी एरिया कहलाता है ये मास्टर प्लान के हिसाब से। लो डेंसिटी एरिया मतलब ये होता है कि इससे भोपाल शहर की आबोहवा तय होती है, भोपाल का जो क्लाइमेट है, वेदर है, वो केवल इसी जगह से तय होता है, जो हवा आती है भोपाल में इसी क्षेत्र से आती है, तो ये काफी खूबसूरत लोकेशन पे, इसी वजह से सारे IAS IPS ने इसको चुना है, इस कॉलोनी में अपना आशियाना बनाने के लिए। जहां भी रसूखदारों का नाम आता है, वहां पर एक्शन में सरकार पीछे हट जाती है।
जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम माफिया को छोड़ेंगे नहीं, तो सरकारी जमीन पर भले ही छोटा सा अतिक्रमण हो, भले ही बड़े अधिकारी करें, नियमों का वायलेशन हो, तो एक्शन होना चाहिए, क्या कहते हैं? निश्चित तौर पर अतुल जी, जब आम आदमी से अपेक्षा की जाती है कि वो पूरी तरह नियमों का पालन करे, जैसा आपने अभी खुद कहा कि ना एक छज्जा भी कोई बना लेता है तो तोड़ने निगम का अमला पहुंच जाता है। यहाँ पे पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं, भोपाल का मामला है, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जिनके यहाँ पे मकान बने हुए हैं, लेकिन कोई तोड़ने की अभी तक जहमत नहीं उठा पा रहा। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही कि बड़े बड़े लोगों के नाम है, सरकार के सामने रिपोर्ट्स है, आप जैसे जर्नलिस्ट फॉलो अप भी कर रहे हैं, कुछ एक्टिविस्ट भी इस मामले में अपनी तैयारी कर रहे हैं, सरकार एक्शन नहीं लेती है तो हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन मामला लंबा खिंच सकता है। सरकार को यदि संदेश देना है कि वो निष्पक्ष है, निडर है, और बेईमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अवैध निर्माण के खिलाफ, अतिक्रमण के खिलाफ, भूमाफिया के खिलाफ, कहीं भी गड़बड़ी होगी वो एक्शन लेगी, और सरकार ने ऐसे एक्शन लिए भी हैं। मुख्यमंत्री ने बार बार बयान दिया है कि वो अब अलग मूड में है और अलग मोड में है, तो मुख्यमंत्री का जो अलग मूड है वो यहाँ भी दिखाई देगा। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि दिखाई देना चाहिए, तभी जनता में एक जो संवेदनशील मुख्यमंत्री की छवि और ज्यादा बेहतर होगी, और लोगों को एक विश्वास जगेगा कि यदि आम आदमी पे कार्रवाई होती है तो इन रसूखदारों पे भी कार्रवाई होती है। बिल्कुल, पहले भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री ने कई मामलों में बड़े एक्शन लिए हैं, सख्त एक्शन लिए हैं, तो यहाँ भी इस तरह का एक्शन दिखाई देगा, ऐसी हम उम्मीद करेंगे। अभिषेक जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइन स्टोरी विद जर्नलिस्ट में एक नई स्टोरी के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.